बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? फ्रेंड्स, मैं बिल्कुल ठीक हूं और उम्मीद करती हूं आप सब भी अपने अपने घर में बहुत ही खुश और खुशहाल होंगे। बट फ्रेंड्स, आज का जो व्लॉग है, आप लोग सोच रहे होंगे कि कहां से स्टार्ट हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज ना मैं अपना फुल डे का व्लॉग लेकर आई हूं, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग से, जब से मैं सोकर उठती हूँ उसके बाद से ही मैंने ये व्लॉग स्टार्ट कर दिया था। मैंने सोचा था कि आज मैं सारे दिन का आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये है फ्रेंड्स सैटरडे का दिन, मेरी छुट्टी का दिन होता है। तो बस जी, मैं सुबह ही सुबह ये फजर के बाद जो है फ्रेंड्स, मैं नमाज़ अदा करने के बाद कुछ चीज़ें पढ़ती हूँ फ्रेंड्स, पर वही पढ़ रही थी और अल्लाह पाक से बहुत सारी दुआएं कर रही थी आप लोगों के लिए भी, अपने लिए भी। तो बस फ्रेंड्स, उसके बाद ना मैं सो गई थी और फिर मैं 2 घंटे के बाद उठी हूँ। और उसके बाद फ्रेंड्स, ये जो है ना मेरे नाश्ते की तैयारी है, ब्रेकफास्ट की, और ये मैं अंडे बॉईल कर रही हूँ। आज सोचा था कि मतलब जैसे छुट्टी होती है ना फ्रेंड्स, तो थोड़ा हम लोग तसल्ली से अच्छा सा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, अदरवाइज़ तो बहुत भागम भाग वाला पूरे वीक का ना हम लोगों का ऐसे ही ब्रेकफास्ट रहता है, हल्का फुल्का सा। तो बस मैंने अंडे बॉईल करने रख दिए थे और आज सोचा था कि ना मैं सैंडविच बनाऊंगी। तो बस मैंने ना थोड़ी सी सब्जियां कट कर ली थी, तो मैंने कैप्सिकम लिया है 1/2 कटोरी, और मैंने कैबेज मतलब बंद गोभी, उसको भी मैंने ना ये सब ना जूलियन कट मैंने छोटे छोटे सा काट लिया था, और मैंने थोड़ा सा ये खीरा ले लिया है, गाजर ले लिया है, सब 1/2 कटोरी लिया है फ्रेंड्स मैंने। और मैंने 1/2 टीस्पून इसके अंदर काली मिर्च डाली, 1/2 टीस्पून जो दखनी मिर्च डाली है, और थोड़ा सा ही मैंने नमक डाला है। और मैं ये 4 से 5 टेबल स्पून फ्रेंड्स मेयोनीज़ है, ठीक है। तो मेयोनीज़ के अंदर तो मैं ये ना मेयोनीज़ वाले जो एक बड़े मशहूर से वो सैंडविचेस होते हैं ना, जो हमारी तरफ तो दिल्ली में बेकरी में ज़रूरी मिलते हैं फ्रेंड्स, और ये बड़े मज़े के लगते हैं। तो बस मैंने सोचा था कि मैं यही बना लूँ, और ये बहुत अच्छे लगते हैं और घर में इतना ईजिली बन जाते हैं ना ये। तो बस आज का नाश्ता मेरा कुछ इस तरीके से है, थोड़ा सिंपल है बट बहुत अच्छा है, बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी, बहुत हेल्दी। हाँ, तो बस जी, उसके बाद मैंने ब्राउन ब्रेड ले ली थी, उसके ना मैंने इस तरीके से ये कोने कट कर ली थी, इसलिए कट कर रही हूँ फ्रेंड, माँ बिल्कुल नहीं खाती है ये, उसको दो बिना सैंडविचेस तो वो ये साइड की चीज़ें निकाल देती है। ये आपकी मर्ज़ी है, आप लोग इसको लगे रहने, जैसे मैं अपने और अपने हस्बैंड के लिए बनाती तो मैं लगे रहने देती, लेकिन मैं सोचा चलो अच्छे से बना ही देते हैं। तो बस मैंने वो कट कर लिया, उस पर ना मैं हल्का बटर लगा रही हूँ, और बटर लगाने के बाद फ्रेंड जो मैंने ये मिक्सचर रेडी कराया है सब्जियों का, वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया मियो वाला, और बस कुछ भी नहीं, अब हमने ऐसी तरीके से दूसरी ब्रेड पर भी कर देना है स्प्रेड। और बस जी, हमारे ज़बरदस्त से शानदार से सैंडविचेस रेडी हैं, देखा आपने कितने क्विक और कितने ज़बरदस्त बन गए फ्रेंड, बहुत टेस्टी लगते हैं ये, मुझे तो ये बहुत पसंद है। मैं अक्सर ना सफ़र वगैरह पर जाती हूँ ना किसी, तो मैं ज़रूर रखती हूँ इस तरह के सैंडविचेस ना, बहुत मज़े के लगते हैं, बहुत अच्छे। अच्छा जी, चलें, अब मैं इसके साथ बना रही हूँ आज ओरियो शेक। आज क्या है स्पेशल जो है मेरी माहम के लिए, तो सब कुछ आज माहम के लिए। सारा दिन मैंने सोचा था कि बच्ची जो जो फरमाइश करेगी ना, एक्चुअली उसके चल रहे हैं एग्जाम्स ना, तो उसका बड़ा ही वो चल रहा है, मम्मा ये खाना है वो खाना है। और सच बताऊँ फ्रेंड, सारे दिन घर पर नहीं होती हूँ ना, तो बड़ा ही दिल सा चाहता है कि चलो सैटरडे को मैं आज उसके लिए ही सब बनाती हूँ। तो बस ये ओरियो शेक बना रही थी, उसमें मैंने दूध डाल दिया था, तकरीबन 1/2 लीटर डाला था फ्रेंड, और मैंने उसके अंदर जो है 3 चम्मच चीनी डाल दी थी, ओरियो बिस्किट डाल दिए थे, एक पैकेट में से 3-4 बचा लिए थे, और मैंने थोड़ी सी आइसक्रीम डाल दी थी। और बस उसके बाद शेक बना लिया, और साथ में अब मैंने ये जो है बॉईल कर लिए थे एग, तो काली मिर्च और नमक इसके अंदर डाल रही हूँ। और बस जी, बॉयल्ड एग भी रेडी हो गए हैं, जो कि माँ को बहुत मुश्किल से खिलाने पड़ते हैं, बिल्कुल नहीं खाती है। बस जी, देखें शेक उसी का निकाल रही थी, तो बाकी जो क्योंकि मेरे हस्बैंड ने चाय पीनी थी, तो उनके लिए तो चाय निकलेगी, और हम लोग थोड़ा थोड़ा सा हम लोग भी शेक लेंगे, है ना। तो इरम का मूड है, वो चाय लेंगी शेक लेंगी, उनका मूड पर डिपेंड करता है, कहती बाजी अभी नहीं लूँगी थोड़ी देर बाद, तो इस वजह से सिर्फ माहम का शेक निकाला अभी मैंने। तो देखें आप, कुछ इस तरीके से हो गया ना शानदार सा ब्रेकफास्ट हमारा रेडी। देखा फ्रेंड, इतने कम एफर्ट्स लगे इसमें और कितना शानदार सा बेहतरीन सा ब्रेकफास्ट हमारा रेडी हो गया। तो ये था मेरा सैटरडे का जो है छुट्टी के दिन का ब्रेकफास्ट, तो बहुत यम्मी था अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब ने बहुत अच्छे से इन्जॉय करा, सब ने पेट भर के खूब खाया। और आज ही हमारा सारा दिन ना ये कुकिंग में मेरा निकलने वाला है। और आज मौसम भी इतना अच्छा हो गया था फ्रेंड्स कि पता है खूब बारिश हो रही थी, मैं दिखाती हूँ, चलिए देखिए आप, अब तो ही बल्कि रुकने से लगी थी, जब मैं मतलब ना किचन में थी तब मैंने देखा बहुत ज़्यादा बारिश हो रही। और पता है मैंने इस वक्त ना मतलब ऑनलाइन ना कुछ मंगवा लिया था जिससे ब्लिंकेट से, तो बड़ा अफसोस हुआ मुझे, बेचारे भैया जो है ना इतनी तेज़ बारिश में पूरे भीगते हुए आए। खैर बहरहाल बहुत अच्छी सर्विस थी, वो लोग ले आए। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं कुछ स्टडीज़ अपनी कर रही हूँ, मैंने शायद पहले ब्लॉग में बताया है, तो वही पढ़ रही थी और लाइट चली गई थी, तो जब लाइट चली जाती पंखा मेरा बहुत साथ देता है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा। और बस उसके बाद जो है मैं इधर माहम भी साइड में बैठी हुई थी, तो वो बातें भी मुझसे करी, मुझसे कहती प्लीज़ मुझे पढ़ने दो माहम, और वो कहती मम्मा एक दिन तो आपका होता है और आप रोज़ आके रात में भी बैठ जाती हैं पढ़ने के लिए, तो बस वो थोड़ा डिस्टर्ब कर रही थी जान कर ना, वो सोफ़ी के साथ खेल भी रही थी, तो बस खैर, लेकिन मैं साथ में पढ़ रही थी फ्रेंड, तो बस मेरी स्टडीज़ चल रही थी। तो बस ये सारा दिन आप लोग देख लें, काम भी करती हूँ, घर का भी देखती हूँ, स्टडीज़ भी कर रही हूँ, बस दुआ कीजिए फ्रेंड मेरे लिए,
कि अल्लाह ताला बस सब बेहतर करे हमारी ज़िंदगी में, और हम सभी की, मेरी आपकी, हम सभी की जितनी भी मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम अच्छे से उसको पूरा कर पाएँ और अच्छी से ज़िंदगी गुजरे हम सभी की। मैं बहुत दिल से दुआ करती हूँ सबकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे। अच्छा जी, गरम मसाला ख़त्म हो गया था बिल्कुल, तो जो पैकेट बाज़ार में मिलता है ना फ्रेंड्स, मैंने वही लेके भून रही थी। थोड़ी सी हरी इलायची कम लग रही थी तो वो मैंने उसके अंदर डाल के वो भून के हल्का सा मैंने उसका पाउडर बना लिया। अच्छा, सारे चावल चढ़ा दिए थे क्योंकि साथ में आज मैं बना रही हूँ अचारी दाल, तो देखें। अच्छा फ्रेंड्स, जो अब मैं ना अचारी दाल लंच के लिए बनाने जा रही हूँ जो कि बहुत मज़े की बनती है, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग तैयार कर लेते हैं अचार का मसाला। तो वो है कुछ इस तरीके से। सबसे पहले फ्रेंड्स मैंने लिया है 1 टेबल स्पून जो है सरसों के दाने लिए हैं, 1 टेबल स्पून ही मैंने इसके अंदर सौंफ ली है, 1 टेबल स्पून ही मैंने इसके अंदर जीरा लिया है, और 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर मेथी के दाने लिए हैं, और मैंने 5 जो है लाल साबुत मिर्चें ली हैं। ये हमारा है अचार का मसाला, जो कि अब हमने ना इसको हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे और फिर उसके बाद हमने इसको पीस देना है। बस फ्रेंड हल्का ही हमें इसको ना भूनना है, मतलब ये समझ लें कलर चेंज नहीं होना चाहिए, सिर्फ ये हल्का सा सौंधा सा हो जाए। देखें आप, है ना कितना शानदार सा भुन गया है। अब ये ठंडा करके मैं इसका जो है पाउडर बना लूँगी, तो देखें पाउडर मैंने इसका बना लिया, एक बोल में इसको डाला है, और थोड़ा सा 2 चम्मच के करीब ना मैं अलग से निकाल लूँगी, और बाकी जो मेरा बोल के अंदर है उसमें मैं डालूँगी 1 पूरा नींबू भर के इसको, क्योंकि हमें ना मिर्चों में डालना है। अच्छा, आपके पास इमली हो तो आपने ना इमली भी डाल सकते हैं। बस ये ऐसे ना मोटी वाली मिर्चें जो बाज़ार में मिलती है ना, बस मैंने वो वाली ली है जो बिल्कुल तीखी नहीं होती, उसके अंदर मैंने ये अचार का मसाला भर दिया। सारी मिर्चों में इसी तरीके से मैं भर दूंगी, तो ये हमारी जो अचारी दाल शानदार सी बनने वाली है ना, उसकी ये बिल्कुल रेडी हो गई है मेरी। अच्छा, अचारी दाल जो मैं बना रही हूँ ये मैं मिक्स दालों में बना रही हूँ, और ये मैंने 1.5 कप के करीब जो है मैंने दाल ले ली है, और इसको ना मैं भिगा के रख दूंगी तकरीबन 1/2 घंटे के लिए। चलिए जी, अब चढ़ा देते हैं। तो 1 टीस्पून नमक डाल दिया है, 1 टीस्पून ही मैंने हल्दी पाउडर डाला है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाला है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाला है, और मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर जीरा पाउडर डाला है, 2 टमाटर की प्यूरी मैंने इसके अंदर डाल दी है, और थोड़ा सा पानी मुझे कम लग रहा था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब फ्रेंड्स मैं ना इसमें लगा दूंगी विसल, और ये तकरीबन 20 मिनट पकेगी हल्की आंच पर, मतलब एक विसल आ जाएगी तो मैं हल्की आंच कर दूंगी, फिर 20 मिनट्स में देखिए कितनी शानदार सी दाल हमारी गल गई है। अब मैं इसको ना बड़े से एक पैन में कर लूँगी, क्योंकि कुकर में ना ज़रा मुश्किल होगी, हल्की सी इसको घोटना चाहे तो घोट ले, मुझे ज़रूरत नहीं थी। बस ये अब बघार करेंगे। इसका देसी घी डाला है, देसी घी में लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने 1 टीस्पून डाला है, 1 टीस्पून ही मैंने राई के दाने डाले हैं जिन्हें सरसों कहा जाता है, और जी मैंने जो अचार भर के मिर्चें रखी थी वो मैंने इसके अंदर डाल दी, और बाकी जो बचा हुआ अचार का मसाला था फ्रेंड्स वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अच्छा जी, कुछ लाल साबुत मिर्चें गोल वाली थी मेरे पास, वो मैंने 5 से 6 डाल दी, और खूब अच्छे से ना इसको ढककर मैं 5 मिनट के करीब पकने रख दूंगी। अच्छा जी, दाल आप देखें, इसको मैं हरे धनिया से गार्निश कर दूंगी। देखिए आप कितनी अच्छी सी कंसिस्टेंसी हो रही, थोड़ी गाढ़ी सी ये वाली दाल ना फ्रेंड ऐसी मज़े की लगती है। 5 मिनट मैंने हल्की आंच पर देखें इसको मसाले को ना इसी तरीके से भुनने दिया था लहसुन अदरक के साथ, और अब मैं ये देखें तड़का कितना शानदार तड़का हमारा दाल का रेडी हो गया फ्रेंड। बहुत मज़े की अचारी दाल बनी थी, आप लोग ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। मैं अभी देख रही हूँ फ्रेंड, तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है, बहुत मज़े की बनी थी, बहुत यम बनी थी। तो देखें आप कितनी शानदार हमारी अचारी दाल बन गई है। तो बस जी, अब हम लोग लंच कर लेंगे, और जी बहुत मज़े की ये दाल चावल बना था। अच्छा जी, इसके बाद जो है ना मैं आपको और भी ज़बरदस्त रेसिपी आज लेकर आई हूँ, वो है मेरे इवनिंग स्नैक्स की, तो आप वो देखें। उसके लिए ना मैं आज बना रही हूँ कीमा वाले जो पाव होते हैं ना, बंस होते हैं, वो बना रही हूँ। तो उसके लिए ना सबसे पहले हमने क्या कर लेना है कि खूब थोड़ा सा गुनगुना पानी लिया है मैंने, उसके अंदर मैंने ईस्ट डाली है 1.5 टेबल स्पून के करीब, 1 अंडा इसके अंदर डाल रही हूँ, और अच्छे से ना अब इसको मैं शेक कर लूँगी। ठीक है, देखिए खूब अच्छे से इसको ना मिक्स हमें कर लेना है, बीट कर लेना है बढ़िया सा करके, क्योंकि अब हम इसका डो बनाएंगे पहले बंस का। तो देखिए मैंने तकरीबन 1 मिनट के करीब मैंने इसको खूब अच्छे से बीट कर लिया था। अब उसके बाद जो है इसमें 2 कप में भर के मैदा डाल दूंगी, और बस जी मैदा डालने के बाद इसके ऊपर जाएगा नमक, और नमक बिल्कुल मैंने 1/2 चम्मच से भी कम लिया, और बस पहले ना उसे आटे में हम मिला देंगे, क्योंकि ईस्ट और नमक को एक साथ नहीं मिलाया जाता है फ्रेंड। तो देखिए मैंने पहले ना आटे में उसको घोल मिला लिया है नमक को, अब मैं इसको अच्छे से जो है गूंद लूँगी फ्रेंड। तो जितना मैंने उसमें पानी डाला था ना 1/2 ग्लास के करीब, उसी से गूंदूँगी फ्रेंड, और मेरा ना 1/2 ग्लास के करीब थोड़ा सा मुझे लग रहा है मेरे से पानी ज़्यादा हो गया, तो थोड़ा सा ना मेरा पतला हो गया है आटा, लेकिन कोई नहीं फ्रेंड्स, इसी के से अब हम बनाएंगे, और कभी कभी इस तरीके से हो जाता है। तो आप लोगों ने अगर ये डो बनाना है तो थोड़ा सा 1/2 ग्लास से कम रखिएगा, ठीक है, इतनी उसमें।
मेजरमेंट में, बस खूब अच्छे से देखें। मैंने इसको ना थोड़ा सा ऑयल डाला था तकरीबन 3-4 टेबल स्पून के करीब, और अब इस तरीके से ना हमें ना इसको हाथ में लेके इस तरीके से थ्रो करना है। और बस जी हमारे देखें मैं ऑयल लगा के रख दूँ क्योंकि थोड़ा ना मेरा गीला हो गया था फ्रेंड, तो बहुत ज़्यादा ना संभाल नहीं पा रही थी मैं कहा चले खैर बन जाएगा। अब मैं इसको तकरीबन 1-1.5 घंटे के लिए रख दूँगी, माइक्रोवेव के अंदर रख देती हूँ फ्रेंड्स मैं इसको ना। तो बस जी हमारा खूब अच्छा सा जो है ये डो हमारा रेडी हो जाएगा, खूब बढ़िया सा राइस कर जाएगा अभी। तो चलें अब उसके बाद ना अंदर की फिलिंग बनाते हैं। तो उसके लिए फ्रेंड्स मैंने लिया है ना तेल डाला था बस 1 टेबल स्पून के करीब, और उसके ऊपर मैंने 1 चॉप्ड करी हुई अनियन डाल दिए देखें आप, और खूब अच्छा सा ना मैंने उसे पिंक सा कर लिया। अब मैंने 1 टेबल स्पून के करीब जो लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है, और अब इसके अंदर जाएगा ये मैदा फ्रेंड। तो मैंने 2 टेबल स्पून मैदे के डाले, इसको मैं मैदे को ना भून लूँगी क्योंकि हमें ना वाइट सॉस बनाना है इसका, ठीक है। खूब अच्छे से मैंने इसको भून लिया है, और अब मैं इसके अंदर ना 1 कप जो है मिल्क डाल दूंगी, और अब हमारा बढ़िया सा जो है वाइट सॉस जो है वो रेडी हो जाएगा। बस इसमें ना मतलब जैसे गुठलियाँ ना बने, तो बस मैं इसको ना थोड़ा अच्छे से ऐसे प्रेस कर करके कर रही हूँ। और अब इसके अंदर टोमेटो केचप गया है फ्रेंड तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब, और 3 ही टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ना स्वीट चिली सॉस के भी 3 टेबल स्पून डाले हैं मैंने। बस अब खूब अच्छा सा मैंने ना इसको मिक्स कर देना है देखिए आप बढ़िया सा। और अब इसके अंदर ऑरिगेनो गया है 1 टेबल स्पून, और चिली फ्लेक्स गए 1 टेबल स्पून, वो भी मैंने खूब अच्छे से इसको पका दिया है, और फिर बड़ा ही क्विक बन जाता है ये। और ये मैंने ना 250 ग्राम चिकन को बॉईल करके इसको इस तरीके से स्ट्रेट कर लिया था, और वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है, और ये हार्डली 1 मिनट हमने इसको पकाना है। बहुत बढ़िया सा जो है हमारा देखें आप कितना ज़बरदस्त तैयार हो गया। अब मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर काली मिर्च पाउडर डाल दिया है, और अब 1/2 टीस्पून इसके अंदर मैंने नमक डाला है इसलिए क्योंकि ऑरिगेनो और ये सब चीज़ें ना काफ़ी नमकीन होती हैं, और सॉसेज में भी नमक होता है, उसके अकॉर्डिंग ही मैंने डाला था। आप लोग चख लीजिएगा टेस्ट कर लीजिएगा, वैसे मेरा बिल्कुल ना परफेक्ट था। चलिए जी हमारा जो है अंदर का जो चिकन वाली वो है वो हो चुका है रेडी, और इधर हमारा ये डो भी अच्छे से राइज हो गया था फ्रेंड। थोड़ा सा पतला हो गया ना, तो इस बार थोड़ी सी मुझे दिक्कत हो रही थी, बट चलें कोई नहीं, अब हो गया था तो अब हमने ऐसे ही बनाना है। तो बस आप लोग जब बनाए ना तो फ्रेंड इससे मुझसे सीख लीजिए कि थोड़ा सा पानी ना आप लोगों ने कम रखना है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा ना ये सूखा आटा लगा कर और इस तरीके से इसको थोड़ा सा मैनेज करती हूँ, और खैर मैंने मैनेज कर लिया था, हालाँकि हल्की सी दिक्कत हुई थी और बट फिर ये हो गया था मैनेज। मुझे तो मैं तो घबराई गई थी कि शायद बनेंगे ही नहीं, लेकिन बस देखें और इस तरीके से ही तो हाथ से काफ़ी फैल गया था, लेकिन फिर भी मैंने ना ये बेलन की मदद से इसको काफ़ी बड़ा सा मैंने बेल लिया एक रोटी की तरह काफ़ी पतला सा, और उसके 2 हिस्से कर दिए, और जो हमने अंदर की फिलिंग बनाई थी ना चिकन की वो मैंने इसके अंदर डाल दिए। इस तरीके से आप रख दें और बढ़िया से करके ना, ताकि सारे उसमें बंस में ना फिलिंग खूब अच्छे से आ जाएगी। और अब इसके ऊपर मैं डालूंगी ना फ्रेंड, जैसे दोनों साइड मैंने कर लिए, तो अब मैंने चीज़ डाल दिए। ये ना चीज़ क्यूब्स थी मेरे पास, तो मैंने ना उसको कद्दूकश करके और बस वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया। आप लोग देखें आप कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, आपको ज़्यादा चीज़ पसंद हो तो आप लोग ज़्यादा डाल सकते हैं। और बस जी इसी तरीके से दोनों साइड का मैं कर दूंगी फ्रेंड। तो अभी क्या है ना, अभी जो मेन मरहला है वो मेरा अभी इसको बंस बनाने का होगा। तो आप ये देखें कितना पतला मेरा आटा हो गया है, बस सिर्फ इसमें पतलापन हुआ है फ्रेंड, सिर्फ पानी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। हालांकि मैं थोड़ा आटा डालती तो ठीक हो जाता, बट वो फिर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती, इस वजह से मैंने डाला नहीं था। मैंने कहा चले जी ऐसे ही बना लेते हैं, बेक ही तो होना है, तो बस थोड़ा सा इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ये। और बाकी देखें आप इसी तरीके से मैं दूसरी साइड से भी ना इसको इस तरीके से ढक दूंगी और अपनी उंगलियों की मदद से इसको दबा दूंगी, है ना फ्रेंड। तो बस देखें इस तरीके से हो गया दोनों, और अब हमने ना इसके कट लगा लेने बंस के साइज़ के, ठीक है। तो अब आप देखें और इस तरीके से मैंने बंस के साइज़ के छोटे बड़े आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, और बस उठा उठा कर फ्रेंड्स मैंने ना इनको फिर ट्रे में थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करा और फिर लगा रख दिए थे ये। और अब मैं ऊपर से इस पर अंडा लगा रही हूँ ताकि ये खूब अच्छा सा इस पर कलर आ जाए, क्रिस्पी से बने ये, आप लोग देख लीजिए। और बस इसी तरीके से सारे ही बंस पे मैंने इस तरीके से अंडा लगा दिया था, इससे बड़ी अच्छी सी शाइन भी आती है, टेक्सचर भी बड़ा अच्छा सा आता है। अब ये ना मैंने इस पर कलौंजी डाल दी है, बिल्कुल मतलब फ्रेंड्स ये ऑप्शनल है, आप ऐसे भी बंस बनाएं अच्छे लगेंगे, लेकिन मैंने इस पर कलौंजी डाल दी थी, और क्योंकि कलौंजी ना मुझे बड़ा अच्छा फ्लेवर लगता है। और अब मैं थोड़े से ना इसके ऊपर तिल भी डाल रही हूँ, वाइट वाले जो तिल होते हैं ना, आपके पास काले तिल हो तो वो डाल दें, वैसे मैंने कलौंजी डाली है तो मैंने फिर ना वाइट तिल लेकर इस पर डाल दिए थे, और अभी तो वाइट तिल इस पर दिख नहीं रहे फ्रेंड, जब ये बेक होगा ना तो फिर ये दिखेंगे देखें। और हमारा ओवन जो है ना हमने अंदर की तरफ अभी सेट किया हुआ है,
और बस वो मैंने ना प्री हीट कर दिया था 10 मिनट के लिए और 180 डिग्री पर फ्रेंड्स रखा था मैंने 10 मिनट के लिए प्री हीट करने के लिए, और फिर मैंने 180 डिग्री पर ही रख दिया था ये तकरीबन 40 मिनट्स के लिए। तो 40 मिनट्स में बहुत अच्छे से हो गए थे, तो बस जी अब हम इसको रख देंगे। मैं वही देख रही थी काफ़ी अच्छे से गर्म हो गया था। चलें जी ये 40 मिनट्स के लिए हमने इसे रख दिया, 40 मिनट्स के बाद आके हम इसको देखेंगे। तो देखिए आप 40 मिनट्स के बाद कुछ ये शक्ल है फ्रेंड्स इसकी, बड़े शानदार से हमारे बन गए थे। और आप देखिए काफ़ी गर्म था तो निकालने में थोड़ी मुझे दिक्कत हुई थी, आप देखिए कितना शानदार सा कलर आया है ना इसके ऊपर, बहुत अच्छा लग रहा है ये और खाने में भी बहुत मज़े का बना था फ्रेंड। हालांकि मेरा डो कितना पतला हो गया था मैं पता है बहुत घबरा गई थी कि पता नहीं कैसा बनेगा, देखिए फ्रेंड अच्छा बन गया था काफ़ी, और जो है टेस्ट में तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया घर में। और बस मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं बहुत अच्छे से इन्जॉय नहीं कर पाई इसको, और शायद हैवी हो गया था आज ब्रेकफास्ट लंच सब कुछ। माशाल्लाह आज का दिन मेरा पूरा माहम के नाम था, तो आज उसी की पसंद की सारी मैं चीज़ें बना रही थी। तो बस देखिए अब इतना गर्म था ना, मुझे दिखाने की इतनी जल्दी होती है फ्रेंड, मुझे लगता है मैं सबसे पहले ना आप लोगों को दिखा दूँ। देखिए आप अंदर की फीलिंग देखिए, बहुत मज़े की बनी थी फ्रेंड्स, और चीज़ के साथ ना बहुत मज़े का लग रहा था ये, बहुत ही अच्छे सॉफ्ट से बड़े ज़बरदस्त से बने थे, मतलब बड़ा अच्छा था और टेक्स्चर ना ऊपर से क्रिस्पी थे अंदर से सॉफ्ट थे, बड़े मज़े के बन गए थे। चलिए जी अब चलते हैं डिनर की तरफ। डिनर में मैंने क्या बनाया? अच्छा फ्रेंड चीजों में ना बड़ा जबरदस्त सा बहुत ही इजी सा चिकन फ्राई बना रही हूँ डिनर के लिए। तो उसके लिए मैंने लिया है ये मेरा है 750 ग्राम जो है चिकन है, और इसके लिए मैं अब सबसे पहले मैं मैरिनेट करने रख दूंगी इसको। तो उसके लिए मैंने लिया है 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून इसके अंदर नमक जाएगा, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 नींबू का रस जाएगा, 1/2 टीस्पून इसके अंदर गरम मसाला पाउडर जाएगा। अब हमने ना इन चीजों को अच्छे से मैरिनेट करके रख देना है। बड़ा ही ना अच्छा सा जबरदस्त सा ही बनता है फिर। इसकी ना बोटियां जो है चिकन की आपने ना बहुत बड़ी नहीं रखनी है, ठीक है थोड़ी छोटी रखिएगा ताकि अच्छा सा ये बन जाए, और बहुत ही अच्छा सा जबरदस्त सा भुना भुना सा ही बनेगा। आप लोग देखिएगा थोड़ा डिफरेंट टाइप का, इसमें हमें ना ये फ्राइड चिकन तो जरूर बनेगा बट हम इसे फ्राई नहीं करेंगे, ठीक है तो ये बड़ा ही मजे का बनेगा। चलें जी अब ये सारे मसाले ना मेरे खूब अच्छे से देखें इसके ऊपर हो गए हैं कोट, और अब मैं इसको रख दूंगी मैरिनेशन के लिए। मेरे पास फ्रेंड इस वक्त है टाइम अच्छा खासा, तो मैं इसे 2 घंटे के लिए रख दूंगी, लेकिन आप लोग इसे ना कम से कम आधे घंटे के लिए रखिएगा, बस आधे घंटे के बाद ही आप लोग इसे बना सकते हैं। लेकिन आज मेरे पास काफी टाइम है फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है मेरा छुट्टी का दिन है तो मेरे पास खूब अच्छा सा टाइम है। अब जो है मैं इसको रख दूंगी 2 घंटे के लिए, आपने फ्रिज में रख दे गर्मी है तो, और अगर नॉर्मल टेम्परेचर है आपके यहाँ का या ठंडी है तो बाहर रख दे, मैं फ्रिज में रख दूंगी क्योंकि हमारे काफी ज्यादा गर्मी है। फिर मैंने तकरीबन 2 घंटे के बाद मैंने क्या करा ना, थोड़ा सा लिया ऑयल पैन में, और ये भी ना एक एक करके सारी बोटियों को ना मैं इस पैन में रख दूंगी। अच्छा तेज़ आंच पर रखिएगा क्योंकि हमें ना मार्क्स चाहिए इसके ऊपर, जो हल्के से ना ब्राउन ब्राउन से गोल्डन गोल्डन से मार्क्स आ जाते हैं ना वो हमें चाहिए, तो मैं अभी ना तेज़ आँच पर रखूँगी जब तक मैं सारा ये फैला रही हूँ। 1 मिनट तेज़ आँच पर रखने के बाद ना इसकी मैं हल्की आँच कर दूँगी, और अब देखें मैं ना इसको पलट रही हूँ तकरीबन 6 मिनट के बाद, ठीक है तो 6 मिनट जब हल्की आंच पे पक गया है तो उसके बाद मैंने ये पलटा है, तो अब आप देखें 6 मिनट तकरीबन मेरे दूसरी साइड से भी हो गए हैं इसको रखे हुए। तकरीबन 12 मिनट मैंने इसको पकाने के बाद हल्की आंच पे बिल्कुल ढककर रख दिया था 5 to 6 मिनट्स के लिए, और उसके बाद आप देखें कितना शानदार सा ना ये अभी गलना शुरू हो गया फ्रेंड। तो अब मैंने इनको साइड में करा, उसी तेल में मैंने थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाला है, 3 हरी मिर्चें एक मोटी मोटी कटी हुई वो डाल दी हैं, 1 मैं ना अब इसके अंदर प्याज डाल दूंगी बारीक स्लाइस हुई हुई, तो बस अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है, उसी में ना आपने रख देना है इसको, और इसी तरीके से ना उसी में थोड़ा सा मैंने इसी तरीके से भून सा लिया है। और अब मैंने 1 टमाटर बहुत फाइन चॉप किया हुआ, और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर कसूरी मेथी, और 1 टीस्पून ही मैंने इसके अंदर नमक का डाल दिया, सॉरी 1/2 टीस्पून नमक डाला था क्योंकि नमक मैंने ऑलरेडी उसमें भी डाला हुआ था। बस सारे अब मसालों को इसमें लपटप सा ना इस तरीके से भून लेंगे फ्रेंड, और अब मैंने इसको ढककर रख दूंगी, ठीक है ढककर रख दूंगी अगेन 5 to 6 मिनट्स के लिए, और उसके बाद मैंने देखिए हटाया है तो कुछ इस तरीके से भून चुका है, बड़ा ही शानदार सा फ्रेंडशिप बना था, यकीन करिए बहुत टेस्टी है। इसमें करी पत्ता का जो फ्लेवर आ रहा था वो बहुत मज़े का था। बस अब इसको हरे धनिए से फ्रेंड्स मैं गार्निश कर दूंगी, और ज़बरदस्त हमारा चिकन फ्राई दिख रहे हैं बहुत मज़े का रेडी हो गया है, बहुत अंदर से बहुत जूसी है, बाहर से ना बड़ा ही सोंधा सोंधा सा ये हो गया आप देख सकते हैं, बहुत शानदार सब। बस फिर अब मुझको आज दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह ताला कल न्यू व्लॉग लेकर आऊँगी। कैसा लगा मेरा आज सारे दिन का व्लॉग ज़रूर बताइएगा, अपना ख्याल रखिएगा।